आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजियोलॉजी के करंट अफेयर्स के एंड जीके क्लास में स्वागत है। आज की तारीख है 18 जुलाई और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य की ERCP योजना कितने जिलों को प्रभावित करती है, वो कितने जिलों की कितनी जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो इसका उत्तर होगा कि ERCP योजना 13 जिलों की 40% आबादी को प्रभावित करती है। सेकंड क्वेश्चन, हरिश्चंद्र सागर बांध की नींव कब रखी गई थी। तो इसका उत्तर होगा हरिश्चंद्र सागर की बांध की नींव 1952 में रखी गई थी और 1965 में इसका निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन 1965 में ही ज्यादा पानी आने की वजह से, बरसात का ज्यादा पानी आने की वजह से भाव में वो बांध बह गया था। और ये बांध कहां पर बनाया गया था, तो इसका उत्तर होगा झालावाड़ में काली सिंध नदी के ऊपर ये बांध बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के पहले आयुर्वेद कॉलेज के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने कितना बजट पास किया है। तो इसका उत्तर होगा 6 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति के अनुमति दी है। 26 एकड़ जमीन में आयुर्वेद कॉलेज बनने जा रहा है, जो कोटा का पहला आयुर्वेद कॉलेज होगा और इसमें चिकित्सा से संबंधित सारी सुविधाएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भड़क झरना कहां पर है। तो इसका उत्तर होगा भड़क झरना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, जो कि जिले का सबसे बड़ा झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर ओपन किसने जीता है। तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर ओपन पीवी सिंधु ने जीता है और ये तीसरी भारतीय महिला है जिन्होंने सिंगापुर ओपन जीता है और सीजन का तीसरा टाइटल पीवी सिंधु ने अपने नाम किया है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट कहां पर खेला गया था हाल ही में। तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर में। सिक्स्थ क्वेश्चन, दुनिया के सबसे तेज इंसान का नाम क्या है जिन्होंने भी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर खिताब जीता है। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, उनका नाम है अमेरिका के फ्रेड नाम है, जिन्होंने 9.86 सेकंड के अंदर अपनी 100 मीटर की रेस कंप्लीट की थी और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर का वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा स्थान रहा। तो इसका उत्तर होगा भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर का 7वां स्थान रहा, इन्होंने 7.96 मीटर की लॉन्ग जंप की थी। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।